मजलूमों की जीत है। तो हमने देखा है सुगुम के परस तो सबके लंबे यही गीत है। दिसंबर 1993 को मुल्तान में होने वाला एमकेएम का पहला तारीखी जलसा आम अल्लाह ताला के इस फरमान की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। दुनिया में सच्चाई के रास्ते को हर दौर में रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन सच्चाई की ताकत के आगे एक दिन हर बातिल कुव्वत जमीन बोस हो जाती है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की आवाज को पूरे मुल्क में फैलने से रोकने के लिए भी बातिल परस्त कुव्वतों ने हर तरह की साजिशें की,
और इसी मकसद के लिए 19 जून 1992 से एमकेएम क्रश ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन बाकी कुवतों की तमाम साजिशें और प्रोपेगेंडे हक परस्ती की तहरीक का रास्ता रोकने में नाकाम रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अल्ताफ हुसैन का पैगाम सिंध से निकलकर पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद के गरीब और मजलूम अवाम तक पहुंचा और इनके दिलों में घर कर गया। और फिर वो तारीखी दिन आया कि तमाम रुकावटों को दूर करते हुए बिलाखिर हक परस्ती का काफिला पंजाब के शहर मुल्तान में भी पहुंच गया, जहां 25 दिसंबर 1993 को लाखों अवाम मजलूमों के कायद अल्ताफ हुसैन की आवाज सुनने के मुंतजर हैं। यह आवाज बातिल परस्त कुवतों के लिए एक बिजली है, मौत का पैगाम है। लेकिन ये मुल्क के गरीब मजलूम कुचले हुए और पिसे हुए अवाम की मुत्तहिदा आवाज है। इस जलसे आम के लिए इंतजामिया की जानिब से इजाजत मिलते ही एमकेएम के कारकुनों ने न सिर्फ मुल्तान शहर में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी बल्कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, शहदादपुर, ठंडो आदम, क्वेटा, पिशावर, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी एमकेएम के कारकुनों ने जलसे में शिरकत की तैयारियां शुरू कर दी। मुल्तान शहर में जगह जगह जलसयाम की चौकिंग की गई, पोस्टर लगाए गए और शहर के मुख्तलिफ शाहराहों, चौराहों और दीगर जगहों पर जलसयाम के बैनर और एमकेएम और पाकिस्तान के झंडे भी लगाए गए। जलसगाह में लगाने के लिए एमकेएम और एपीएमएसओ के कारकुनों ने निहायत अकीदत और मोहब्बत से जनाब अल्ताफ हुसैन की बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाई। जलसयाम के सिलसिले में मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए थे, जहां से अवाम को जलसयाम के बारे में मालूमात फराहम की जा रही थी। एमकेएम का लिटरेचर भी तकसीम किया जा रहा था और एमकेएम के मुख्तलिफ जलसों की वीडियो फिल्में और जनाब अल्ताफ हुसैन के खूबसूरत पोस्टर भी फरोख्त किए जा रहे थे। 22 दिसंबर की शाम को एमकेएम की जानिब से एक तांगा रैली निकाली गई। ये रैली मुल्तान के इलाके बाबर मार्केट से शुरू हुई और कचहरी रोड, हुसैन आगाही रोड, दौलत गेट, हरम गेट, बोहर गेट, अब्दाली रोड, कातिमार रोड, चौक दिल्ली गेट, पाक गेट चौक और दीगर मकामात से होती हुई घंटा घर चौक पहुंचकर खत्म हुई। रैली में बड़ी तादाद में तांगे शामिल थे जिन पर एमकेएम और पाकिस्तान के परचम लगाए गए थे, जबकि तांगों पर सवार एमकेएम के कारकुनान हाथों में कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की पोर्ट्रेट उठाए हुए थे। रैली की क्यादत अकबर अरकान सिंध असेंबली और एमकेएम मुल्तान के मकामी रहनुमाओं ने की। ये रैली मुख्तलिफ शाहराहों, बाजारों और गलियों से गुजरी तो राहगीरों और गरीब दुकानदारों ने हाथ हिलाकर, तालियां बजाकर और उंगलियों से विक्ट्री के निशान बनाकर एमकेएम की इस रैली का खैर मकदम किया। रैली में शरीक नौजवान पुरजोश नारे लगा रहे थे और कई नौजवानों ने नारों और तालियों पर रक्स करके अपने जोश जज्बात का इजहार किया। मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इस्तकबालिया कैंप पर मौजूद कारकुनों ने रैली के शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की। एमकेएम की इस तांगा रैली ने मुल्तान के अवाम में मजीद जोश पैदा कर दिया और शहर में साइकिलों, मोटरसाइकिलों, रक्शों और दीगर गाड़ियों पर एमकेएम के परचम नजर आने लगे। जलसयाम के सिलसिले में 23 दिसंबर को एमकेएम मुल्तान की जानिब से एक साइकिल रैली निकाली गई। रैली में शामिल साइकिलों पर एमकेएम और पाकिस्तान के परचम लगाए गए थे, जबकि बहुत से नौजवान अपनी साइकिलों पर बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की तस्वीरें भी लगाए हुए थे और एमकेएम और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के हक पे नारे लगा रहे थे। रैली मुख्तलिफ रास्तों से गुजरी तो लोगों ने हाथ हिलाकर इसका खैर मकदम किया। ये रैली मुख्तलिफ सड़कों, बाजारों और गलियों से होती हुई घंटाघर चौक पहुंच कर खत्म हुई। जैसे जैसे जलसे का दिन करीब आ रहा था, वैसे वैसे मुल्तान के अकपरस्त शहरियों के जोश जज्बे में भी इजाफा होता जा रहा था। लोगों ने अपने घरों, दुकानों और ठेलों पर एमकेएम के परचम लगाकर एमकेएम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। 24 दिसंबर को
जलसयाम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। जलसयाम के सिलसिले में घंटाघर चौक और वहां वाकई बल्दिया मुल्तान की इमारत को बरकली झालरों और कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजाया गया था, जबकि जलसगाह और इसके अतराफ के तमाम रास्तों को एमकेएम और पाकिस्तान के झंडों, रंग बिरंगी झंडियों और खैर मकदमी बैनरों से सजा दिया गया। 24 दिसंबर की शाम को बाबर मार्केट के इलाके में वाकई एमकेएम के दफ्तर से एक बहुत बड़ा मशाल बरदार जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में एमकेएम के हजारों कारकुनों और अवाम ने शिरकत की, जबकि एमकेएम राबता कमेटी के कन्वीनियर और बुजुर्ग रहनुमा सेनेटर इश्तियाक अजहर और राबता कमेटी के अरकान डॉक्टर फारूक सत्तार, आफ्ताब अहमद शेख एडवोकेट, एमकेएम पंजाब व सरहद के चीफ ऑर्गेनाइजर विशाल अहमद शाहिद और दीगर मकामी रहनुमाओं ने मशाल बरदार जुलूस की क्यादत की। कई हक परस्त अरकान सिंध असम्बली ने भी जुलूस में शिरकत की। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ घंटाघर चौक पहुंचकर खत्म हुआ। जुलूस में शामिल एमकेएम के तमाम रहनुमा और हजारों कारकुनान अपने हाथों में मशाले थामे अपने जोश वलवले से इस अज़्म का इजहार कर रहे थे कि वो हक परस्ती की शम्मा की रोशनी से बातिल परस्ती की तारीकी को खत्म करके दम लेंगे। जुलूस में शामिल चंद कारकुनों ने अपने हाथों में एमकेएम का एक बहुत बड़ा परचम भी उठाया हुआ था, जिस पर मुल्क की तमाम कौमियतों से यकजहती और उन्हें इस्तेहसाल से निजात दिलाने के अज़्म पर मबनी कलमात तहरीर थे। रास्ते में लोगों ने हाथ हिलाकर और उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाकर जुलूस का खैर मकदम किया। जुलूस का नजारा करने के लिए अक्सर लोग अपने घरों की बालकोनियों पर मौजूद थे। नौजवानों और बुजुर्गों के साथ साथ मासूम बच्चों ने भी अपनी उंगलियों से फतह के निशान बनाकर अल्ताफ हुसैन और एमकेएम से अपनी मासूम मोहब्बत का इजहार किया। जुलूस में शामिल कारकुनों ने भी जोरदार तालियों और फलशगाफ नारों के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया, जबकि कई कारकुनों ने खुशी में रक्स भी किया। एमकेएम राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनियर और साबिक मेयर आफ्ताब अहमद शेख एडवोकेट ने दीगर ओहदेदारों और अकबर अरकान के हमरा 24 दिसंबर की शब घंटा घर पर जलसा गाह का दौरा किया। उन्होंने जलसे के इंतजाम का हतमी जायजा लिया और खुद भी कारकुनों के साथ मिलकर काम किया। जलसे में शिरकत के लिए दूर दराज इलाकों से लोगों की आमद का सिलसिला 24 दिसंबर की रात से ही शुरू हो गया। 25 दिसंबर की सुबह से ही मुल्तान शहर में हर तरफ जश्न का समा नजर आ रहा था। हर तरफ एक गहमा गहमी और चहल पहल थी। पंजाब के दूर दराज इलाकों से जलसे में शिरकत के लिए आने वाले अफराद बसों, वैगनों, सुजुकियों और दीगर गाड़ियों में सवार होकर दोपहर ही से जलसगाह पहुंचना शुरू हो गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अलावा इस जलसयाम में शिरकत करने के लिए कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, टंडो आदम, शहदादपुर और सिंध के दीगर शहरों से हजारों कारकुनान भी मुल्तान पहुंचे थे, जबकि कोयटा, पिशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर शहरों से भी हक परस्त कारकुनान जलसे में शिरकत के लिए पहुंचे। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग मोटरसाइकिलों और तांगों में सवार होकर जलसगाह पहुंच रहे थे, जबकि बेशतर अफराद छोटे बड़े जुलूसों की शक्ल में पैदल जलसगाह पहुंचे। हाथों में बैनर, एमकेएम और पाकिस्तान के परचम और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की तस्वीर उठाए हुए एमकेएम के इन कारकुनों और हमदर्द अवाम के चेहरों पर नया हौसला और नया आज़म झलक रहा था। हर शख्स का रुख जलसगाह की जानिब था, हर कदम घंटाघर चौक की तरफ बढ़ रहा था, हर रास्ता घंटाघर चौक की तरफ जा रहा था। नौजवानों की तरह ख्वातीन भी अपने कायद का खिताब सुनने के लिए जलसगाह पहुंच रही थी। जलसगाह के साथ ही एमकेएम की जानिब से एक स्टॉल लगाया गया था, जहां से लोग एमकेएम का लिटरेचर और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की तस्वीर हासिल कर रहे थे। एक और स्टॉल पर एमकेएम के परचम, जनाब अल्ताफ हुसैन की मुख्तलिफ पोर्ट्रेट, बैजेस, कैलेंडर और मुख्तलिफ अशिया फरोख की जा रही थी। जलसगाह के साथ ही एमकेएम के शोबा खिदमत खल्क कमेटी की मेडिकल एड कमेटी की जानिब से जलसे के शुरका को
हंगामी बुनियादों पर तिब्बी इमदाद देने के लिए 4 तिब्बी इमदादी कैंप लगाए गए थे। इन कैंपों पर दर्जनों अफराद का बिला इम्तियाज मुफ्त इलाज किया गया और इनमें हजारों रुपए की अद्वियात तकसीम की गई। किसी सियासी तंजीम की जानिब से गरीबों का मुफ्त इलाज पंजाब के आवाम के लिए एक नई बात थी जिसे उन्होंने बहुत सराहा और ये कैंप जलसे में आने वालों की तवज्जो का मरकज बना रहा। जलसगाह में लाइटिंग और इलेक्ट्रिक का इंतजाम करने के लिए एमक्यूएम लेबर डिवीजन के एसी यूनिट ने भी अपना एक कैंप लगाया। एमक्यूएम की तलबा तंजीम एपीएमएसओ के कारकुनान पीली टोपियां पहने हुए जलसगाह और इसके अतराफ के इलाके में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। घंटाघर चौक पर एमक्यूएम और पाकिस्तान के परचमों खैर मकदमी बैनरों और रंग बिरंगी झंडियों की बहार नजर आ रही थी। जलसगाह में अहलियान पंजाब और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कायम एमक्यूएम के यूनिटों की जानिब से भी बैनर लगे हुए थे जिन पर पंजाबी जुबान में खैर मकदमी कलमात तहरीर थे। जलसगाह में एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन की बड़ी बड़ी मुख्तलिफ तस्वीर लगाई गई थी। एमक्यूएम के कारकुनों ने जलसे के स्टेज के लिए बनाई गई एक बहुत बड़ी स्क्रीन को स्टेज पर लगाया तो कारकुनों के साथ अकबरस अरकान सिंध असेंबली ने भी उनका हाथ बैठाया और कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के दर्ज और तरबियत पर अमल करते हुए आम कारकुनों के साथ स्टेज पर दरियां बिछाई। शाम तक जलसगाह आवाम से खचाखच भर गई। हद निगाह तक सर ही सर नजर आ रहे थे। जलसे के शुरका हाथों में एमक्यूएम और पाकिस्तान के झंडे और कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की तस्वीरें उठाए हुए थे और फजा में परचम लहराकर और तस्वीरें उठाकर अपने जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे थे। जलसगाह में सहाफियों और खवातीन के लिए अलहदा अलहदा इनक्लोजर बनाए गए थे। सहाफियों की बड़ी तादाद पंजाब में होने वाले एमक्यूएम के इस पहले जलसे आम की कवरेज के लिए आई थी। एमक्यूएम राबता कमेटी के कन्वीनियर सेनेटर इश्तियाक अजहर, राबता कमेटी के अरकान डॉक्टर फारूक सत्तार, आफ्ताब अहमद शेख और पंजाब सरहद और बलोचिस्तान से आने वाले दीगर रहनुमाओं को स्टेज पर बुलाया गया तो आवाम ने पुरजोश तालियों और नारों से इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर तमाम रहनुमाओं ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर फजा में बुलंद किए और यकजहती का मुजाहरा किया। एमक्यूएम के दो माजूर कारकुन भी अपने अजीम कायद का तारीखी खिताब सुनने के लिए व्हीलचेयर पर जलसगाह पहुंचे थे। जलसे की कवरेज के लिए आने वाले सहाफियों को स्टेज पर बुलाकर जलसगाह का मुशाहिदा कराया गया। सहाफी हजरात स्टेज पर आए तो अवाम ने तालियां बजाकर उनका खैर मकदम किया जिसके जवाब में बेशतर सहाफियों ने हाथ हिलाकर उनके खुलूस का शुक्रिया अदा किया। सहाफियों ने हाजरीन की तादाद के लिहाज से इस जलसे को मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करार दिया और एमक्यूएम के नज़्म ज़ब्त की तारीफ की। जलसे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ जिसके बाद एमक्यूएम के रहनुमाओं ने जलसे से खिताब किया। एमक्यूएम मुल्तान सिटी के इंचार्ज राना आरिफ ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्तान के शहरियों को अपने हकूक की जद्दोजहद करने के लिए एमक्यूएम के नाम से पहली मर्तबा एक सही प्लेटफॉर्म मयसर आ गया है और इंशाल्लाह अब मुल्तान भी एमक्यूएम का एक मजबूत किला साबित होगा। एमक्यूएम लाहौर यूनिट की वर्किंग कमेटी के रुकन सैयद अलमास हैदर काजमी एडवोकेट ने भी अपने खिताब में कहा कि मुल्क भर के मजलूम अवाम हक परस्ती के परचम तले मुत्तहिद हो रहे हैं और अब इस्तेहसाली अनासिर और कौम की दौलत लूटने वालों का एहतिसाब किया जाएगा। एमक्यूएम लाहौर की वर्किंग कमेटी के रुकन राना मोहम्मद हलीम चौहान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर के हकपरस्त अवाम भी कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की अजीम क्यादत में मुत्तहिद हो रहे हैं और अब मुल्क भर से जुल्म व नाइंसाफी का खात्मा होगा। एमक्यूएम शुबे खवातीन पंजाब के ऑर्गेनाइजर मोहतरमा रोशन जहीर ने जलसे से अपने खिताब में कहा कि मुल्क भर की हकपरस्त माएं बहनें भी हकपरस्ती की इस जद्दोजहद में अमलन शरीक हो रही हैं।
और अकबरस्त माए बहने जद्दोजहद के हर मैदान में अपने भाइयों के शाना बशाना काम करेंगी। जलसायाम से खिताब करते हुए एमक्यूएम पिशावर के ऑर्गेनाइजर अरबाब मुश्ताक अहमद ने कहा कि मुल्क भर के गरीब और मजलूम अवाम अब बेदार हो चुके हैं और एमक्यूएम को कुचलने की साजिशें करने वाले अब अपने किसी भी हथकंडे में कामयाब नहीं हो सकते। एमक्यूएम बलूचिस्तान के ऑर्गेनाइजर अताउल्लाह कुर्द ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एमक्यूएम ने अपने अमल और किरदार से साबित कर दिया है कि एमक्यूएम की जद्दोजहद का मकसद इख्तदार का हुसूल नहीं बल्कि मुल्क भर के इस्तेहसाल ज़दा आवाम को ज़ुल्म इस्तेहसाल से निजात दिलाना है। एमक्यूएम मुल्तान डिवीजन के ऑर्गेनाइजर गुलाम हमीम भट्टी ने जलसायाम में करारदादें पढ़ी। इन करारदादों में मुल्तान शहर की तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी ग्रांट की फराहमी, तालीमी इदारों के क्याम, मुल्तान को 5 साल के लिए टैक्स फ्री जोन करार देने, सरमायाकार कंपनियों के मुतासरीन की रकम जल अज जल वापस दिलवाने और मुल्तान शहर से मुनशियात फरोशी और दीगर जराइम के अड्डे खत्म करने के मुतालबात शामिल थे। जलसे के शुरका ने इन करारदादों की मुकम्मल और भरपूर हिमायत करते हुए इनकी मंजूरी दी। एमक्यूएम पंजाब और सरहद के चीफ ऑर्गेनाइजर विशाल अहमद शाहिद ने अपने पुरजोश खिताब में कहा कि एमक्यूएम मुल्क की सालमियत बका और गरीब और मुतवस्सत तबके की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रही है ताकि मुल्क में सही जमहूरी निज़ाम राइज हो सके और मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो सके। उन्होंने कहा कि अगर हक़ो सदाकत की जद्दोजहद करना दहशतगर्दी है और कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन जैसे मुहिब वतन और जुर्रतमंद रहनुमा से वफादारी जुर्म है तो हम इस जुर्म का बरमला एतराफ करते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर एमक्यूएम और कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। एमक्यूएम राबता कमेटी के रुकन और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गरीब मजलूम हक परस्त अवाम का मिसाली इत्तेहाद मुल्क के रिवायती फरसूदा जागीरदाराना वडेराना और सरमायादाराना निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उन्होंने कहा कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में खिलने वाले फूलों को एक गुलदस्ते की शक्ल में जमा कर दिया है और इस गुलदस्ते की खुशबू से पूरा मुल्क महक रहा है और जब तक पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत और अकीदत रखने वाले जिंदा हैं उस वक्त तक वतन अजीज के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। एमक्यूएम राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर और साबिक मेयर हैदराबाद आफ्ताब अहमद शेख एडवोकेट ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एमक्यूएम ने सियासत में अवाम की अमली खिदमत को मुतारिफ करा के पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक मुनफरिद रिवायत को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम मुल्क की वो वाहिद सियासी जमात है कि जिसके हक पर नुमाइंदे इंतखाबात में अपनी जाती जेब से कोई पाई पैसा खर्च नहीं करते बल्कि आवाम अपने वोटों और नोटों की मदद से हक पर नुमाइंदों को मुंतखब करके ऐवान में भेजते हैं। एमक्यूएम राबता कमेटी के कन्वीनियर सैनेटर इश्तियाक अजहर ने जलसयाम से खिताब करते हुए कहा कि एमक्यूएम मुल्क भर में ऐसे मुनसिफाना निज़ाम का क़याम चाहती है जिसमें गरीब मजलूम अवाम के जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाए और उन्हें भी मुल्क में इज्जत व वक़ार से जिंदगी बसर करने के मौके मयसर आ सकें। उन्होंने कहा कि अकपरस्ती की जद्दोजहद के जुर्म में एमक्यूएम के खिलाफ तारीख का बदतरीन ऑपरेशन किया गया लेकिन एमक्यूएम को ख़त्म नहीं किया जा सका और अब एमक्यूएम का पैगाम मुल्क भर में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के मजलूम अवाम अपने इत्तेहाद के जरिए मुल्क से रियासती जुल्म और जबर का खात्मा करेंगे और कौम की दौलत लूटने वालों का एहतिसाब करेंगे। जलसगाह में जब जनाब अल्ताफ हुसैन के टेलीफोनिक खिताब का ऐलान किया गया तो लाखों अवाम के अजीम शान समंदर में जबरदस्त जोश व खरोश पैदा हो गया। जनाब अल्ताफ हुसैन की आवाज सुनते ही जलसगाह में मौजूद लाखों अफराद ने खड़े होकर और फलक शगाफ नारे लगाकर उनका जबरदस्त खैर मकदम किया और जब एमक्यूएम का मकबूल नगमा
मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन बजाया गया, तवाम का जोश वलवला काबिले दीद था। इस मौके पर फजा में हजारों रंग बरंगे गुब्बारे और कबूतर छोड़े गए और आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा किया गया। एमकेएम के कारकुनान और अवाम एमकेएम के परचम लहराकर जनाब अल्ताफ हुसैन से अपनी वालेहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे थे और मजलूमों के दिल का चैन अल्ताफ हुसैन और नारा मुत्तहिदा जी मुत्तहिदा के नारे लगा रहे थे। जोश व खरोश, खुशी व मुसर्रत और वालेहाना मोहब्बत और अकीदत के इजहार का ये मंजर काबिले दीद था। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملتان کے تاریخی شہر میں آج میں اہلیان ملتان صوبہ پنجاب صوبہ سرحد صوبہ بلوچستان صوبہ سندھ سے آنے والے تمام حق پرستوں کو حق پرست بزرگوں کو ماؤں کو بہنوں کو اور پاکستان کے مظلوم اور پاکستان کے مظلوم عوام کو اور اس تاریخی جلسے عام میں موجود ایک ایک فرد کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ ملتان کے باسیوں، پنجاب کے باسیوں، پنجاب کے مختلف علاقوں سے آنے والوں، بلوچستان سے آنے والوں، صوبہ سرحد سے آنے والوں، آج اس تاریخی شہر بزرگوں کی سرزمین تاریخی شہر ملتان میں موجود اپنے الطاف بھائی کی آواز اور ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں آپ سب بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماں بہنوں کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد آپ کو اس عظیم الشان جلسہ عام میں شرکت کے لیے جہاں جہاں سے آپ آئے آپ کی آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ملتان شہر میں پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم آج سالگرہ منا رہے ہیں، 170ویں اس سالگرہ کے موقع پر ہم سب پاکستان کے مظلوم حق پرست عوام آج بزرگوں کی اس سرزمین پر جمع ہو کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اے قائد اعظم، تو نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا آج ہم سب اس مقصد عظیم کو حتمی شکل دینے کے لیے اور پاکستان میں بگڑے ہوئے نظام کو صحیح کرنے کے لیے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے قائد اعظم، پاکستان کے لیے آپ نے جو جد و جہد کی، جو خواب دیکھا، آج ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم اس خواب کی تعبیر لائیں گے، اس خواب کو عملی جامہ پہنائیں گے اور آج کے دن ہم
ये अहद करते हैं कि आज का जलसा आम पाकिस्तान के तमाम मजलूम अवाम को खुशखबरी की नवीद दे रहा है, खुशखबरी की नवीद सुना रहा है कि आज का दिन आने वाली तारीख में पाकिस्तान से जबर इस्तेहसाल के खात्मे का इब्तदाई दिन पहला दिन साबित होगा। मेरे भाइयों, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मां बहनों, आज का ये जलसा आम मजलूमों के लिए खुशखबरी और खुशी की नवीद है और पाकिस्तान पर मुसल्लत जाबिर जालिम राशि और बद उनवानों के खात्मे के नुक्ता आगाज की हैसियत रखता है। ऐ मेरे मुल्तान के भाइयों, ऐ मेरे मुल्तान के भाइयों, आज इस जलसे में हक परस्त पंजाबी भाई भी शरीक हैं, हक परस्त बलोची भाई भी शरीक हैं, हक परस्त सिंधी भाई भी शरीक हैं, हक परस्त सिंधी भाई भी शरीक है, हक परस्त पख्तून भाई भी शरीक है, हक परस्त मुहाजिर भाई भी शरीक है और हक परस्त सराई की अवाम भी शरीक है और हक परस्त कश्मीरी अवाम भी शरीक है। आज पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों का ये मुत्तहिदा इज्तिमा है और आज का दिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायम में पहली ईंट साबित होगा इंशाल्लाह। अब मुत्तहिदा इंशाल्लाह अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायम को पाकिस्तान के न जागीरदार ना वडेरे ना सरमायादार और सकेंगे। अब ये सैलाब बहना शुरू हो गया है, ये मजलूमों की आहों का सैलाब है, ये उनकी सिसकियों का सैलाब है और ये आहें और सिसकियों के जो जिम्मेदार बहुत बड़े बड़े ऐवानों में जो बैठे मजे ले रहे हैं, आहों का सैलाब सिसकियों का ये सैलाब बड़े बड़े ऐवानों में बैठे हुए जागीरदारों वडेरों अय्यारों मक्कारों को बहाता हुआ ले जाएगा। मजलूमों की आहों का ये सैलाब, मजलूमों की सिसकियों का ये सैलाब न सिर्फ बड़े बड़े ऐवानों को बहाता हुआ ले जाएगा बल्कि उसमें बैठे हुए बड़े बड़े बुतों को खसो खाशा की तरह बहाता हुआ ले जाएगा। मैं मुल्तान के भाइयों से, माओं से, बहनों से, पंजाब से आने वाले तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप बड़ी देर से यहां बैठे हुए हैं, सर्दियों का मौसम है और मुल्तान में इस वक्त सर्दी पड़ रही है, शदीद सर्दी है और आप लोग बड़ी देर से यहां बैठे हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपका भाई मजलूमों का साथी, मजलूमों का खैरख्वाह, मजलूमों का हमदर्द, मजलूमों को चाहने वाला
अल्ताफ हुसैन आपसे मुखातिब है, लिहाजा नारे और तालियों से परहेज कीजिए। ऐ मेरे मुल्तान के भाइयों और इस जलसे में मौजूद तमाम आवाम से मेरी दरखास्त है कि वो तालियां न बजाएं, नारे न लगाएं, तालियों और नारों से परहेज कीजिए, मेरी बातें सुनिए। ऐ मेरे मुल्तान के भाइयों और यहाँ पर पंजाब से, सरहद से, बलूचिस्तान से जो लोग आए हैं, मैं उनके सामने चंद एक बातें रखना चाहता हूँ। आपने गुज़िश्ता 3-4 रोज से आज के इस जलसे की तैयारियों के सिलसिले में कारकुनान को काम करते देखा होगा, कारकुनान को काम करते देखा होगा, लेकिन उन कारकुनान में आप ये शनाख्त नहीं कर सके होंगे कि इसमें जिम्मेदार कौन है, इसमें कारकुन कौन है, इसमें साबिक मेयर कौन है, इसमें साबिक मेयर कौन है, इसमें साबिक वजीर कौन है, इसमें कौन एमपीए है, कौन साबिक एमएनए रह चुका है, आप नहीं पहचाने होंगे। रात गए तक मुल्तान शहर में कल इंतजामिया ने जो आज के जलसे की इजाजत न देने के सिलसिले में रुकावटें खड़ी की, उसको हल करने के लिए और जलसे की तैयारियों में जो कारकुनान मसरूफ थे उनके साथ, मेरी आवाज साफ आ रही है, उनकी तैयारियों में सिर्फ गरीब सच्चे मुखलिस कारकुनान ही नहीं थे, बल्कि साबिक मेयर हैदराबाद भी जाग रहा था, एक जगह से दूसरी जगह फिर रहा था। साबिक मेयर कराची फारूक सत्तार भी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। तमाम एमपीएस जो मौजूदा है, सिंध असेंबली के एमपीएस हैं, सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, वो भी गली गली काम कर रहे थे, अपने हाथों से सामान उठा रहे थे, अपने हाथों से दरियां बिछा रहे थे, अपने हाथों से काम कर रहे थे। और इसके अलावा तहरीके पाकिस्तान का सिपाही और बुजुर्ग अपनी बीमारी के बावजूद सेनेटर इश्तियाक अजहर वो भी रात गए तक कारकुनान के दरमियान मौजूद, उनको अपनी तबीयत की फिक्र नहीं, उनको जो बीमारी और तकलीफ है उसे भुलाकर वो कारकुनान में रहे। इसी तरह राबता कमेटी के अरकान हो या लेबर डिवीजन के अरकान, एपीएमसो के कारकुनान हो या जिम्मेदारान, मेडिकल एड कमेटी के डॉक्टर हजरात हो या लीगल एड कमेटी के हजरात, या शोभा खवातीन, गर्ज ये के तमाम शोभों के लोग और जिम्मेदारान अपनी अपनी हैसियतों को खुलाकर अपने अपने मकाम मंजिलत को भुलाकर कारकुनान के दरमियान काम कर रहे थे। उनमें ना कोई बड़ा था, ना कोई छोटा था, ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, सब बराबर थे। और ये तालीम और ये दर्स है हमारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने हज्जतुल विदा के मौके पर आखिरी खुदमे में कहा था कि ए लोगों, तुम में कोई अमीर नहीं, तुम में कोई गरीब नहीं, ना गरीब को अमीर पर, ना अमीर को गरीब पर फौकियत हासिल है, ना गोरे को काले पर, ना काले को गोरे पर, ना गुलाम को आका पर और ना आका को गुलाम पर फौकियत हासिल नहीं है, तुम में ना अरबी को अजमी पर और ना अजमी को अरबी पर फौकियत हासिल है, तुम सब बराबर हो और अल्लाह के नजदीक वही आला है, वही बुलंद है जो परहेजगारी में आला हो, जो तकवे में आला हो। है मेरे पंजाब के भाइयों, सरहद के भाइयों, हम एमक्यूएम
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں دیے گئے سبق کو اپنا منشور بناتے ہوئے عمل کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب پاکستانی ہیں, پاکستان میں سب پاکستانی ہیں, پاکستان میں نہ بلوچی کو پختون پر, نہ پختون کو سندھی پر, نہ سندھی کو پنجابی پر, نہ پنجابی کو سرائی کی پر, نہ کسی قومیت کو کسی قومیت پر, نہ ہی مہاجروں کو کسی پر فوقیت, نہ ہی مہاجروں پر کسی کو فوقیت جتانی چاہیے, بلکہ پنجابی سندھی بلوچی پختون کشمیری اور میرے سرائیکی بھائی جو قابلیت میں اعلیٰ ہوں, ایمانداری میں اعلیٰ ہوں, انہیں ہی آگے بڑھنا چاہیے, انہیں ہی ملک کی باغ ڈور سنبھالنی چاہیے, انہی کو ملک کا انتظام حکومت سنبھالنا چاہیے. میرے بھائیوں, میری آواز آ رہی ہے, انہی کو اس ملک کا نظام سنبھالنا چاہیے. لیکن پنجاب سے آنے والوں, بلوچستان سے آنے والوں, سرحد سے آنے والوں, پنجاب سے آنے والوں, پنجاب کے مختلف شہروں سے آنے والوں, سندھ سے آنے والوں, میں آپ سے آج چند سوالات پوچھتا ہوں. اے میرے بھائیوں, پنجابی بھائیوں, سرائیکی بھائیوں, آپ کی بڑی تعداد یہاں جمع ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. پاکستان میں 46 اور 47 سالوں سے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ ہر سال, ہر دوسرے سال, ہر تیسرے سال یا ہر پانچویں سال انتخابات کا موقع ہو تو بڑے بڑے جاگیرداروں کو, وڈیروں کو, سرمایہ داروں کو, مراد یافتہ طبقے کے لوگوں کو ملتان کے گلی گلی کا دورہ کرتے ہوئے, پنجاب کے شہروں کا دورہ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے. الیکشن میں آئے, اپنی شکل دکھائی, آپ سے ووٹ لیے, اس کے بعد آپ کے شہر میں آفت آئے, وبال آئے, مصیبت آئے, پریشانی آئے, یہ آپ کو دیکھنے تک نہیں آتے. کوئی سانحہ ہو جائے وہاں آتے نہیں. الیکشن کے دوران یہ رات بھر جاگ سکتے ہیں آپ کے ساتھ, یہ بڑے بڑے جاگیردار وڈیرے رات آپ کے درمیان رہتے ہیں, الیکشن, صرف الیکشن کے درمیان. اس کے بعد الیکشن جب ختم ہو جاتا ہے, یہ ایم این ایز, ایم پی ایز بن جاتے ہیں, یہ وزیر بن جاتے ہیں, آپ پانچ پانچ سال ان کے دروں پر چکر لگاتے رہتے ہیں, ایک منٹ ملاقات کے لیے. لیکن ان کے محلوں میں, ان کی جاگیروں میں بڑی بڑی گاڑیاں والے تو جاتے ہیں, پیدل چلنے والے, سائیکلوں پہ جانے والے, بسوں میں جانے والے, ریلوں کے ذریعے پہنچنے والے, ان کے گھر کے باہر دروازے تک تو ضرور پہنچ جاتے ہیں, مگر ان کے محلوں میں نہیں گھس سکتے, ان کی جاگیروں میں, ان کے بڑے بڑے اور تاکوں میں نہیں گھس سکتے. یہ اپنے مطلب پر آپ کے آگے بھی آ جاتے ہیں, آپ کے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ہار بھی پہن لیتے ہیں, لیکن جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے,
तो आपके हाथों को कहते हैं कि गरीबों के गंदे हाथ होते हैं, गरीबों के मैले हाथ होते हैं, गरीबों के पास से बदबू आती है, गरीबों के कपड़े गंदे होते हैं। ये आपसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, ये आपको करीब बुलाना पसंद नहीं करते। ये खेल पाकिस्तान में 46 सालों से जारी है। इसके मुहाफिज अफसर शाही के बड़े बड़े लोग हैं, जागीरदार वडेरे हैं, और मैं जो बातें कहूंगा वो कोई और लीडर आपके सामने नहीं कर सकता, कोई लीडर आपके सामने नहीं कर सकता। यही फर्क है दूसरों में और मुझ में। है मेरे पंजाब के भाइयों, मुल्तान के भाइयों, पाकिस्तान मेरा वतन है, मैं भी पाकिस्तानी हूं, लेकिन मुझे मुल्क से दूर किसने किया हुआ है? आपसे कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन मुल्क क्यों नहीं आता, अपने लोगों को छोड़कर चला गया। जी नहीं, पाकिस्तान के इस्तेहसाली तबके ने, पाकिस्तान के जालिम और जाबिर हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के इस्तेहसाली टोले ने मुझे मजबूर किया है कि मैं मुल्क से दूर रहूं। लेकिन आपने देखा कि मैं मुल्क से 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, मैं मुल्क से दूर हूं, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी अपने मुल्क के लोगों, उनके मसाइल से, अपने मुल्क की याद से, अपने मुल्क के मसाइल, अपने मुल्क के लोगों के मसाइल से गाफिल नहीं रहा। मैंने अपने मुल्क के लोगों से रابطہ नहीं तोड़ा। तो मेरे साथियों, इस्तेसाली अनासर ने मुझे जिला वतन रहने पर मजबूर किया हुआ है। मैं खुशी से बाहर नहीं बैठा और मैं यहां आकर भी मैंने अपना मिशन खत्म नहीं किया। मेरा मंशूर, मेरा मकसद, मेरी आरजू, मेरी तमन्ना यही है कि पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान पर काबिज 2% लुटेरे, जालिम, चोर, डाकू, पाकिस्तान पे 47 वर्षों से काबिज चोर, लुटेरे, डाकू, वडेरे, इनका खात्मा करके पाकिस्तान 12 करोड़ गरीब और मजलूम अवाम की अमानत है। मैं पाकिस्तान के गरीब और मजलूम अवाम की अमानत, मैं पाकिस्तान के गरीब और मजलूम अवाम की अमानत, मैं पाकिस्तान के गरीब मजलूम अवाम की अमानत उनके हाथों में पहुंचाना चाहता हूं, उन्हें देना चाहता हूं, उनके सपोर्ट करना चाहता हूं। यही मेरा कसूर है, यही मेरा जुर्म है, यही मेरा गुनाह है, और ये जुर्म, ये गुनाह मैं 17 सालों से कर रहा हूं, और ये गुनाह पाकिस्तान की बका सलामती की जिद्दोजहद करना, पाकिस्तान के गरीबों के हुकूक की जिद्दोजहद करना, पाकिस्तान में सही जमहूरियत कायम करना, पाकिस्तान में इस्तेहसाल से माशरे का कयाम, पाकिस्तान में गरीब और मजलूम अवाम की हुक्मरानी कायम करना, ये मेरा मंशूर है। इंसाफ का निजाम कायम करना ये मेरी जिद्दोजहद है, ये मेरा मकसद है, और यही मेरा जुर्म है। पाकिस्तान के वडेरे, पाकिस्तान के जागीरदार और पाकिस्तान के कर्ता धर्ता जो है, बाख्तियार लोग जो है, वो अल्ताफ हुसैन को पसंद नहीं करते। इसलिए मुल्तान के लोगों, पंजाब के लोगों, तुम नवाज शरीफ के पास जाओ या बेनजीर के पास जाओ, उससे जाके पूछ लेना अल्ताफ हुसैन MQM तुम्हारे साथ भी हुकूमत में रही, नवाज शरीफ तुम्हारे साथ भी हुकूमत में रही, क्या अल्ताफ हुसैन ने तुमसे अपने लिए एक गज जमीन का टुकड़ा हासिल किया, कोई प्लाट हासिल किया, कोई परमिट हासिल किया, अपने लिए कुछ तुमसे लिया? अल्ताफ हुसैन ने इनसे कुछ नहीं लिया। और पाकिस्तान में जितने भी कर्ता धरता हैं, वो सिविलियन तबके से ताल्लुक रखते हो या गैर सिविलियन तबके से ताल्लुक रखते हो,
किसी ने अल्ताफ हुसैन को, कोई इनमें से अल्ताफ हुसैन को खरीदने में कामयाब नहीं हो सका। अल्ताफ हुसैन के सामने दौलत के ढेर रख के बड़े बड़े महल ऐवान दिखाए, अल्ताफ हुसैन ने कहा नहीं, मुझे बड़े महलों की, बड़े ऐवानों की, बड़े आलीशान बंगलों की जरूरत नहीं है, मुझे प्लाट परमिट नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे खुशहाल पाकिस्तान चाहिए, मुझे मजबूत पाकिस्तान चाहिए, जहां किसी गरीब की कोई पगड़ी ना उछाल सके, किसी गरीब के बच्चों पर कोई जुल्म ना कर सके। पंजाब के लोगों, कितने बड़े बड़े लोग ऐवानों में आते हैं, तुम्हारे सामने कितने बड़े बड़े लीडर आते हैं, कितने बड़े बड़े जागीरदार लीडर आते हैं, तकरीरें करते हैं, लेकिन पंजाब में, ऐ पंजाब के लोगों, क्या ये नहीं देखते, कोई किसान या मजदूर अपने आका, अपने मालिक या अपने जागीरदार की मर्जी के खिलाफ जरा सा काम करे तो ये बड़े बड़े जागीरदार थाने वालों को फोन करके, पुलिस वालों से उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को उठा के सड़क पे लाके नंगा कर देते हैं, बहना करके उनके जुलूस निकालते हैं। मैं पूछता हूं, आज तक गरीब माओ बहनों की बेटियों को बहना करके सड़कों पे जुलूस निकालने वाले कितने थानेदारों को फांसी पे चढ़ाया गया? उनको, थानेदारों को ऐसा हुक्म देने वाले कितने जागीरदारों और वडेरों को सूली पे लटकाया गया? सूली पे लटकता है गरीब, सूली पे लटकता है गरीब। थाने, जेल हो या थाने, थाने हो या जेल, ये गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यहां मुल्क के गरीबों का खून चूसने वाले इन थानों में जाते नहीं है, इन जेलों में जाते नहीं है। और अगर कभी कोई सियासी बिना पर, सियासी वजू की बुनियाद पर कोई बड़ा जागीरदार वडेरा लीडर की हैसियत से जेल में जाए तो जेल में उसकी अपनी अलग दुनिया होती है। जेल में भी वो बादशाहों की तरह रहता है, उसके जेल के कमरे में एयर कंडीशंस लगे होते हैं, उसके कमरे में टीवी और वीसीआर्स होते हैं, टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, टेलीफोन की सहूलतें मौजूद होती हैं, नरम नरम गद्दे, नरम नरम कालीन, सब कुछ उसके कमरे में होता है। वो जेल में बजाहिर तो होता है, मगर उसके कमरे में तो हमारे बहुत सारे नहीं, पाकिस्तान के 98% लोगों के घर ऐसे नहीं होते हैं जैसे बड़े बड़े लीडर अगर जेल चले जाएं तो जेल में उनके कमरे होते हैं। मेरे साथियों, अल्ताफ हुसैन भी जेल गया, अल्ताफ हुसैन भी 3 मरतबा जेल गया, लेकिन अल्ताफ हुसैन को जेलों में जिन लोगों ने देखा है वो तुम्हें कसम खा के, हलफ उठा के बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन के पास ना वीसीआर था, ना टेलीविजन था, ना अल्ताफ हुसैन का कमरा जेल के अंदर एयर कंडीशन था, ना वहां कालीन थे, ना आलीशान गद्दे थे, बल्कि जेल में भी अल्ताफ हुसैन फर्श पर लेटता था जिस तरह दूसरे लेटते हैं। मेरे साथियों, जब अल्ताफ हुसैन कहता है मुझे दौलत नहीं चाहिए, ये मुझे गरीबों के हुकूक चाहिए, मुझे पाकिस्तान किसी के बाप की, इन जागीरदार और वडेरों की जागीर नहीं है, लेकिन इन जागीरदार और वडेरों ने, इनकी जागीरें अपनी अपनी हैं। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलकर कहते हैं तुम्हारी जागीर मेरी जागीर से मिलती है, मेरी जागीर उसकी जागीर से, और हम सबकी जागीरें एक दूसरे से मिलती हैं, लिहाजा सिर्फ पाकिस्तान पर हमारा हक है और पाकिस्तान में रहने वाले हमारे गुलाम हैं। जी नहीं, पाकिस्तान तुम बड़े जागीरदारों ने नहीं बनाया था, पाकिस्तान कायदे आजम की कयादत में गरीबों ने, मजलूमों ने बनाया था। पाकिस्तान में इंसाफ के निजाम के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए, खुशहाली के लिए, इंसाफ का दौर दौरा करने के लिए, इंसाफ का निजाम कायम करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद आज 47 साल हो गए, हमें क्या मिला है, हमने क्या हासिल किया है? गरीब गरीब से गरीब तक होता चला जा रहा है और अमीरों की जागीरों में इजाफा होता चला जा रहा है। चंद खानदान है, वही हमेशा इलेक्शन में आते हैं आपके सामने, जब इंतखाबात हो वही चंद खानदान आपके सामने आते हैं, वही चंद खानदान आपके सामने आते हैं।
بلوچستان سے کتنے پڑھے لکھے غریب مزدور محنت کش طبقے سے مڈل کلاس متوسط طبقے سے لوگ گئے, کتنے سرحد سے گئے, صوبہ سرحد سے اور پنجاب سے جو جاتے ہیں اس میں کون جاتا ہے, کتنے غریب گئے. ملتان کے لوگوں جس طرح تم آج اس جلسے میں بیٹھے ہو اور میری باتیں سن, میری آواز آ رہی ہے, جس طرح آج آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں, میری باتیں سن رہے ہیں, اسی طرح آپ ہر الیکشن میں ان بڑے 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 ان بڑے بڑے لیڈروں کے جلسے میں جا کے اسی طرح بیٹھتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, باتیں یہ آپ کی کرتے ہیں, تالیاں بجا کے آپ انہیں ووٹ بھی دینے جاتے ہیں, مزے یہ اڑاتے ہیں, آپ وہیں کے وہیں رہتے ہیں, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, آپ کی پریشانیاں حل نہیں ہوتی, آپ کے دکھ دور نہیں ہوتے. 47 سالوں سے آپ بھی محنت کر رہے ہیں لیکن آپ کی کتنی جاگیریں قائم ہوئیں, آپ کے کتنے محل بنے, نہیں آپ جہاں تھے آپ وہیں ہیں. الطاف حسین نے جب ان ظالم کو للکارا, ان اس ظلم کے نظام کے جو محافظ ہیں, اس ظلم کے نظام کے جو محافظ ہوں محافظ ہیں, جب ان کو للکارا کہ الطاف حسین تمہارے اس ظلم کے نظام کو ختم کرے گا, پاکستان کے مظلوم عوام کو اپنے ساتھ لے کر تمہارے ظلم کے ایوانوں کو ڈھائے گا, تو الطاف حسین پر الزام لگایا. الطاف حسین دہشت گرد ہے, الطاف حسین دہشت گرد ہے, الطاف حسین ملک دشمن ہے, الطاف حسین پنجابیوں کا دشمن ہے, الطاف حسین پٹھانوں کا دشمن ہے, الطاف حسین سندھیوں کا دشمن ہے, یہ الزامات لگائے میرے ساتھیوں. الطاف حسین نہ الطاف حسین نہ دشمنوں کا ایجنٹ ہے, نہ ہی ملک دشمن ہے, نہ ہی دہشت گرد ہے. بات دراصل اتنی ہے کہ دہشت گرد مجھے پتا ہے یہ کیوں کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ دہشت گرد کیوں کہتے ہیں مجھے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ظالم و جابر مجھے دہشت گرد کیوں کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے تو سنیں, یہ دہشت گرد اس لیے کہتے ہیں کہ میں ان جاگیرداروں اور وڈیروں کے روپ سے ان کی دہشت سے ڈرتا نہیں ہوں, ان کے خلاف ان کے ظلم کے خلاف میں بات کرتا ہوں, اور یہ مجھے دولت سے اپنی طاقت سے مروب نہیں کر سکتے. جب میں ان کے خلاف ڈٹ کے بات کرتا ہوں تو انہیں مجھ سے دہشت ہونے لگتی ہے, یہ مجھ سے ڈرتے ہیں, یہ مجھ سے خوف کھاتے ہیں, یہ مجھ سے پریشان ہوتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ الطاف حسین دہشت گرد ہے اور اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور اخبارات رسائل جرائد, جس ملک میں جبر کا نظام ہو, جس ملک میں جبر کا نظام ہو, استحصالیوں کی حکومت ہے, بدقسمتی سے ان ممالک میں یہ زابل یہ جابر ظالم اور استحصالی ٹولا اپنی پسند کے صحافی اپنی پسند کے دانشور بھی خرید لیتا ہے, ان کو بڑا نام دیتا ہے اور ان کے قلم کا سہارا لے کر اپنی تعریفیں کرواتا ہے, اور پاکستان میں جو حق اور انصاف کی بات کرتا ہے اسے دہشت گرد لکھواتا ہے, اسے گالیاں لکھواتا ہے, اس کی کردار کشی کی جاتی ہے, اس کے خلاف طرح طرح کے من گھڑت افسانے اور کہانیاں شائع کرائی جاتی ہیں, اور جو دانشور سچ لکھنا چاہے اور ان کے اشاروں پہ نہ چلے اسے یہ جیل بھجوا دیتے ہیں, اسے یہ قتل کروا دیتے ہیں, اس کے خاندان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں. اے میرے ساتھیوں, اے میرے بھائیوں, میں ان جابر اور ظالم لوگوں کے خلاف
जिद्दोजहद कर रहा हूँ, इन्हें मुझसे दहशत है, ये अल्ताफ हुसैन से दहशत खाते हैं, ये अल्ताफ हुसैन से दहशत खाते हैं, इसीलिए अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द कहते हैं। लेकिन कोई गरीब अल्ताफ हुसैन से दहशत नहीं खाता, हर गरीब सच्चा परस्त अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत करता है। हाँ सुन लो, जबर के खिलाफ मेरी जिद्दोजहद जारी रहेगी, जुल्म के खिलाफ मेरी जिद्दोजहद जारी रहेगी, और दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले इस्तेहसाली टोले के अनासिर, इस्तेहसालियों कान खोल के सुन लो, अल्ताफ हुसैन तुम्हारे किसी इल्जाम, तुम्हारे किसी किस्म के इल्जाम के आगे सर नहीं झुकाएगा, ना ही तुम्हारे रुपए पैसे की दौलत और महलों से मरूब होगा। और अल्ताफ हुसैन याद रखो, याद रखो, अल्ताफ हुसैन अपना हक परस्ताना मिशन जारी रखेगा, और आज से तुम्हारी नींदें मुझे मालूम है हराम हो जाएंगी। आज से बड़े बड़े ऐवानों में जलजला आएगा कि अल्ताफ हुसैन की ललकार, अल्ताफ हुसैन की पुकार, अल्ताफ हुसैन की सदाए हक, अल्ताफ हुसैन की आवाज़ें हक, पंजाब के गरीब मजलूम आवाम तक पहुंच गई। और आज आज और आज पंजाब के तमाम गरीब एक जगह जमा हैं और अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान से जबर का निजाम खत्म करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, क्या तुम्हें इस बात का हक नहीं है कि अगर तुम बासलाहियत हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या तुम्हें इसका हक नहीं है कि तुम भी पाकिस्तान की खिदमत करो, तुम भी सूबाई और कौमी असेंबली के उम्मीदवार बनो? क्या मैं मजमे से, मैं सामने वाले स्टेज के सामने, स्टेज के दाएं, स्टेज के बाएं और स्टेज की पुश्त पर बैठे हुए आवाम से पूछता हूं, क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आप कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ें? क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आप कौमी या सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ सकें? आप तसव्वुर कर सकते हैं? बताइए, आप तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन मुल्तान के वासियों, पंजाब के वासियों, आज मैं तुम्हें नवीद सुनाता हूं कि आने वाले इंतखाबात में पंजाब सरहद बलोचिस्तान से खानदानी रऊसा, चंद खानदान जो चले आ रहे वो नहीं, बल्कि मुल्तान से, पंजाब से, सरहद बलोचिस्तान से, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सच्चे गरीब हक परस्त मुंतखब होकर आएंगे। और आने वाला मुल्क का आने वाला वजीर आजम, मुल्क का आने वाला वजीर आजम हक परस्त होगा, एमक्यूएम से होगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ जलसों में बैठकर तालियां बजाने से, ऐ मेरे मजलूम भाइयों, मसला नहीं होगा। हमारे हजारों साथी शहीद हुए हैं, हमारे हजारों साथी शहीद हुए हैं, माजूर हुए हैं, जख्मी हुए हैं, पाबंदे सलासल हुए हैं, हमारे हजारों साथियों के घर लूटे गए, हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया गया, अरबों रुपए खत्म कराए गए और कहानियां शाये कराई गई। एमक्यूएम दहशतगर्द है, एमक्यूएम टॉर्चर सेल चलाती है, एमक्यूएम के टॉर्चर सेल हैं, झूठे झूठे मन घड़त किस्से कहानियां शाये करा के पाकिस्तान के मासूम अवाम को वरगलाया गया।
सुनो कान खोल के मेरे भाइयों, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, मेरी बातें गौर से सुनो। एमक्यूएम पर जितने इल्जामात लगाए गए थे वो गलत थे। एम पंजाब के भाइयों, मुल्तान के भाइयों, अगर एमक्यूएम टॉर्चर सेल चलाती, एमक्यूएम के टॉर्चर सेल होते, तो क्या अवाम इस इंतखाबात में जो अभी हुए हैं अक्टूबर में, इसमें क्या हमें वोट देती? क्योंकि वहां तो आज फौज गली गली मौजूद है। पहले कहते थे फौज नहीं है, तो आज फौज है, और फौज के चंद लोगों ने ही टॉर्चर सेल निकाल के दिखाए थे। तो सवाल ये पैदा होता है, लोग तो खुश होना चाहिए था, लोगों को खुश होना चाहिए था कि हमें निजात मिल गई एक जालिम तंजीम से, और वो इस इलेक्शन में हमारा सत्यानाश कर देते। लेकिन हमने कहा बायकॉट, तो अवाम ने बायकॉट किया। हमने कहा वोट दो, तो हमें वोट दिए गए। क्यों? हमने टॉर्चर सेल नहीं चलाए, हमने गरीब बच्चियों की शादियां कराई हैं, हमने गरीब बेवाओं की मदद की है, हम गरीबों के साथी हैं, हम मजदूरों के साथी हैं, हम किसानों के साथी हैं, हम सब मजदूरों के, मजलूमों के साथी हैं, हमने गरीबों की मदद की है, हमने मुफ्त बाजार लगाए हैं। हर रमजान उल मुबारक को, हर रमजान के महीने में हम करोड़ों रुपए गरीब बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों और नादारों में तकसीम किया करते थे। हम गरीबों की खिदमत कर रहे थे, हम आगे ही आगे बढ़ रहे थे। इस्तेसाली टोला डरा कि ये 19 जून, ये 14 अगस्त 1992 को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऐलान करने वाले हैं। अगर अल्ताफ हुसैन ने ये ऐलान कर दिया, एमक्यूएम ने ये ऐलान कर दिया, तो ये पूरे मुल्क में फैल जाएंगे, और हम सारे जागीरदार जालिम इस्तेसाली टोला जो मुल्क पर काबिज है, जो ये कहता है अल्ताफ हुसैन गद्दार है, एमक्यूएम गद्दार, मैं खुदा और रसूल की कसम खा के आपके सामने बताता हूं, जो लोग एमक्यूएम पर और अल्ताफ हुसैन पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाते हैं, मैं कसमी और हल्फिया कहता हूं, वो खुद दूसरे मुल्कों के एजेंट हैं, वो इस मुल्क के दोस्त नहीं, बल्कि इस मुल्क के गद्दार हैं, इस मुल्क के दुश्मन है, इस मुल्क के अवाम के दुश्मन है। बैरूनी ममालिक के इशारों पर नाचते हैं, मुल्क की इज्जत बेचते हैं, मुल्क का सौदा करते हैं। कश्मीर का मसला हो, उस मसले को बना के सियासत तो करते हैं, उस मसले को हल कराने के लिए सही इकदामात नहीं करते। गरीबों की बात तो करते हैं, मगर भट्टा के मजदूर पंजाब के अंदर एक खानदान से दूसरे खानदान बेच दिए जाते हैं, मां बेटी बच्चे समेत खानदान के खानदान एक हाथ से दूसरे हाथ में बेच दिए जाते हैं। इन भट्टा के मजदूरों को के खिलाफ बोलने वाला को, इन भट्टा के मजदूरों पर जो जुल्म होता है, इस जुल्म के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं। पंजाब में मासूम बच्चों से जबरी मशक्कत के काम लिए जाते हैं, इस जबरी मशक्कत को रोकने वाला कोई नहीं। पंजाब में औरतों को सरे बाजार, गरीब मजदूर किसान की बहु बेटियों को सरे बाजार नंगा करके जुलूस निकाला जाता है, उनकी तौहीन की जाती है, इन जालिम हाथों को रोकने वाला कोई नहीं। मेरे भाइयों बड़े 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 जागीरदार वडेरों के बच्चों के पढ़ने के लिए आला यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े स्कूल हैं, उन्हें हर जगह दाखिला मिल जाता है। मैट्रिक कराने के बाद विलायत भेज देते हैं, बर्तानिया भेज देते हैं, जर्मन भेज देते हैं, फ्रांस भेज देते हैं, अमेरिका भेज देते हैं, आपके बच्चों को दाखला नहीं मिलता कॉलेजों में, आपके बच्चों को दाखले नहीं मिलते, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए सही स्कूल नहीं है, सही कॉलेज नहीं है। ये अमीर, ये जागीरदार वडेरे इस्तेसाली तबके के लोग, अगर इनको छींक भी आ जाए तो इनके घर बड़े बड़े डॉक्टर आ जाते हैं। और हमारे यहाँ कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी माँ, जिनका बाप, जिनका बेटा, जिनकी बेटियां सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं कि डॉक्टर की फीस
दवाई की फीस देने के पैसे उनके पास नहीं होते हैं। 47 साल से ये बड़े बड़े लीडर हमारी भलाई की, हमारी फला की बातें तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो मेरे भाइयों, याद रखो, हम ताली बजा के मसला नहीं कर सकते, हम दुआएं मांग कर सिर्फ मसला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कहा दुआ के साथ साथ अमल भी करो, दुआ के साथ साथ अमल भी करो। ए मेरे पंजाब के लोगों, मुल्तान के भाइयों, MQM ने जो मकाम हासिल किया है, MQM ने जो मकाम हासिल किया है वो रातों रात हासिल नहीं किया। 11 जून 1978 से सफर का आगाज किया है। आज 16-17 साल हो गए हैं हमें ये काम करते हुए, ये हक परस्ती के मिशन को जारी रखे हुए हमें 17 साल हो गए हैं। ए पंजाब के गरीब भाइयों, मजलूमों, आप कमरों में बैठकर, चाय के होटलों में, आप गली के नुक्कड़ पर, आप चौराहों पर, आप शाराहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर इस जुल्म के खिलाफ बात तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखो इन बातें करने से मसले हल नहीं होते, बातें करने से मसले हल नहीं होते, बातें करने से हुकूक मिला नहीं करते। तुम्हें जिद्दोजहद करनी होगी, तुम्हें जेलों में जाने के लिए तैयार होना होगा। जब तुम आगे बढ़ोगे, ये जालिम, ये सफाक, ये 40-47 सालों से जो खानदानी विरासत बना रखी है इन्होंने कि पाकिस्तान इनके बाप का है, नहीं, पाकिस्तान इनके बाप का नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान के 12 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है, पाकिस्तान चंद खानदानों का पाकिस्तान नहीं है। तो ऐ लोगों, ऐ मजलूम लोगों, ऐ मजलूम भाइयों, तुम्हें बाहर निकलना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें मारें भी खानी पड़ेंगी, तुम पे झूठे इल्जाम लगाएंगे, तुम्हें गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, तुम्हें मुल्क दुश्मन कहा जाएगा, तुम्हें ये तमाम इल्जाम सुनने होंगे, बर्दाश्त करने होंगे, तुम्हें हर बड़े से बड़े जुल्म और तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना होगा। ऐ पंजाब के लोगों, ऐ पंजाब के लोगों, अज़्म कर लो। और खास तौर पर मैं मुल्तान के नौजवानों से, पंजाब से आने वाले नौजवानों से कहता हूं, उठ खड़े हो। आप खामोश बैठने का वक्त नहीं है। अगर हम आगे नहीं बढ़े, अगर हमने अब भी होश के नाखून न लिए, तो याद रखो मुल्क की मोहब्बत के ये बड़े बड़े जो इस्तेसाली टोले के अनासिर, ये इस्तेसाली टोले के अनासिर जो मुल्क से मोहब्बत के दावेदार हैं, इस्लाम से मोहब्बत के दावेदार हैं, ये ना इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, ना ये मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों हम जागे नहीं, तो ये लोग पाकिस्तान को मजीद टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये पाकिस्तान को बेच डालेंगे, ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। आओ पाकिस्तान को बचाएं, आओ पाकिस्तान को बचाएं, आगे बढ़िए। मेरी दावत है हर उस पंजाबी को, हर उस कश्मीरी को, हर उस बलोची पख्तून को, हर पंजाबी को, हर सराइकी को, हर मुहाजिर को मेरी दावत है, आइए हाथ मिलाइए हमसे, आइए हमारे साथ ताउन कीजिए। हम पंजाबियों के दुश्मन नहीं, हम इस्तेसालियों के दुश्मन हैं, हम पख्तूनों के दुश्मन नहीं, हम जाबरों के दुश्मन हैं, हम बलोचों के दुश्मन नहीं, हम अय्यारों मक्कारों के दुश्मन हैं, हम सराइकियों, पंजाबियों, सिंधियों के दुश्मन नहीं, हम गरीबों का खून चूसने वाले, गरीबों का इस्तेहसाल करने वाले जागीरदारों पडेरों के खिलाफ हैं। यही इल्जाम लगाते हैं कि अल्ताफ हुसैन पंजाबियों का दुश्मन है। मैं
आपके इस जलसे में पंजाबी और सरायकी भाइयों से कहता हूँ, और ये बात भी मैं आज इस बुजुर्गों के शहर, वलियों के शहर, बुजुर्गों के शहर, बुजुर्गों के शहर, वलियों के शहर में आज मैं खुदा को गवाह बनाकर तमाम पंजाबी पख्तून भाइयों को कसम खा के यकीन दिलाता हूं कि खुदा की कसम, कराची में जो पंजाबी मुहाजिर और सिंधी मुहाजिर पख्तून मुहाजिर फसादात कराए थे वो एमक्यूएम ने नहीं कराए थे, बल्कि खुदा की कसम सरकारी एजेंसियों ने कराए थे, खुदा की कसम सरकारी एजेंसियों ने कराए थे। यही इस मुल्क में गरीबों को लड़ाकर खुद उन पर हुकूमत करते हैं। ऐ मेरे पंजाब के भाइयों, अल्ताफ हुसैन तुम्हारा दुश्मन नहीं, अल्ताफ हुसैन तुमसे नफरत नहीं करता, अल्ताफ हुसैन तुम्हारा दोस्त है, अल्ताफ हुसैन तुम्हारा हमदर्द है। इस मुल्क के गरीब मजलूम अवाम का हमदर्द है, दोस्त है, उनका दुश्मन नहीं है। लेकिन तुम्हारे इस अल्ताफ हुसैन को, तुम्हारे इस अल्ताफ हुसैन को इस जालिम और जाबिर टोले ने हमेशा गद्दार कहा, मुल्क दुश्मन कहा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम इनकी बातों में मत आना, इन इस्तेहसाली अनासिर के प्रोपेगेंडे में मत आना। आओ पाकिस्तान को बचाएं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पहली ईंट मुल्तान में रखें, दूसरी ईंट दूसरे शहर में, तीसरी ईंट तीसरे शहर में, और जल्दी जल्दी काम करो ताकि हम पाकिस्तान भर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचम तले यहां गरीबों को आराम दें, सुकून दें, और इस मुल्क में सही जमहूरियत नाफिज करें। एमक्यूएम एक जमहूरियत पसंद, अमन पसंद जमात है जो हकीकी सच्ची जमहूरियत पर यकीन रखती है, जाली झूठी जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती। मेरे साथियों, आपने देखा कि अभी गुज़िश्ता सात सालों में कितने इंतखाबात, तीन मुल्की इंतखाबात, तीन आम इंतखाबात हुए। इसमें वही लोग हारे जो कल जीते थे, आज वो लोग जीते जो कल हारे थे, वही चेहरे हैं, वही खानदान है, वही लोग हैं। रातों रात असेंबली में सैकड़ों की तादाद में रातों रात ये लोग वफादारियां तब्दील कर लेते हैं, जो आपके वोटों की अमानत, आपके वोटों की अमानत, आपके वोटों की अमानत जो बेचे, आपके वोटों की अमानत को जो बेचे, जो तब्दील करे, क्या उसे दोबारा वोट मिलने चाहिए? क्या उसे दोबारा वोट मिलने चाहिए? मेरे भाइयों, हमारे नहीं कहने से नहीं नहीं होगा। आप इन लोटा लोटे की सियासत करने वालों को वोट देना बंद कर दें। लोटे से गंदगी को साफ किया जाता है, उसको वोट नहीं दिए जाते। बात आप समझ रहे हैं? लिहाजा लोटे को वोट मत दीजिए। और आप में से कितने लोग, आइए बताएं 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 बताएं, आइए बताइए, सुन रहे हैं मेरी बात? मेरी बात सुन रहे हैं? मुल्तान के भाइयों, आप में से कितने लोग अल्ताफ भाई का साथ देंगे? हाथ हाथ खड़ा करके बताइए ईमानदारी से, कितने हाथ खड़े हुए हैं? सारे हाथ खड़े किए तो हाथ अगर ऊपर कर दिया तो ऊपर अल्लाह है। तुम याद रखो, तुम अल्लाह को गवाह बना रहे हो कि तुम अल्ताफ भाई का साथ दोगे, तुम एमक्यूएम का साथ दोगे। लिहाजा हमसे बेवफाई न करना, हमसे धोखा न करना, इसलिए कि तुमने गवाह अल्लाह ताला को बनाया है। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे साथियों, हमें पाकिस्तान में जगह जगह सनतें कायम करनी है, स्कूल खोलने हैं, अस्पताल बनाने हैं, पाकिस्तान में
इसका मतलब ये नहीं है, जब मैं गरीबों की बात करता हूँ, जब मैं मजलूमों की बात करता हूँ, क्या मेरी आवाज में डिस्टरबेंस हो रही है? जब मैं गरीबों की बात करता हूँ, जब मैं गरीबों की बात करता हूँ, जब मैं गरीबों की बात करता हूँ, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करता हूँ, पाकिस्तान को खुशहाल बनाने की बात करता हूँ, तो ये इस्तेहसाली टोला हम पर झूठे झूठे मनगढ़ंत गलत इल्जामात लगाता है। ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे मुल्तान के भाइयों, याद रखिए, अब आपको मैदान में आना होगा सच की खातिर, हक की खातिर, सच्चाई की खातिर आपको मैदान में आना होगा और मुल्क से जबर का, जुल्म का खात्मा करना होगा। आइए आगे बढ़ें, हाथों में हाथ डालें और मुल्क में ऐसा इंसाफ का निजाम कायम करें जहां कोई किसी के हक ना मार सके। यहाँ पर मुझे इत्तलात मिली है, मैंने पाकिस्तानियों में भी सराई की भाइयों से मुलाकातें की कि सराई की भाई भी मजलूम है। तो मेरे सराई की भाइयों, ऐ मेरे सराई की भाइयों, आप मजलूम हैं तो आपको कोई हक आपका तश्तरी में रख के नहीं पेश करेगा आपको। आप ये मत समझे कि आपके हकूक आपकी गोद में कोई डालेगा, नहीं, आपको जिद्दोजहद करनी होगी, आपको मैदान में आना होगा। सिर्फ बातें करने से मसला हल नहीं होता, सिर्फ बातें करने से मसला हल नहीं होता, बातें करने से हुकूक नहीं मिला करते, बल्कि अमल करने से, जिद्दोजहद करने से हुकूक मिलते हैं। आपको जिद्दोजहद करनी होगी, आपको मैदान में आना होगा, आपको आगे बढ़कर काम करना होगा। और याद रखिए, जिस तरह MQM के मुंतखब नुमाइंदे काम करते हैं, आपको अपनी अना को फना करके उसी तरह काम करना है, उसी तरह आगे बढ़ना है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, रात वहां पर 9:30 बज रहे हैं, सर्दी का वक्त है। मैं मुल्तान के भाइयों से और ज्यादा बातें करना चाहता था। मुल्तान के लोग इनकलाबी लोग हैं, जिद्दोजहद करने वाले लोग हैं, बहादुर लोग हैं। ये वलियों की सरजमीन है, ये बुजुर्गों की सरजमीन है। हम खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, हम आप सब खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। हम दुआ करते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार इन बुजुर्गों के सदके जो शहर मुल्तान में मदफून है, इन बुजुर्गों के सदके हमारी इस हक परस्ती की तहरीक को कामयाबी अता फरमा। इन बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के सदके आज जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायम की पहली ईंट यहां रखी गई है, ऐ परवरदिगार इन बुजुर्गों के सदके हमारे सरपरस्ती के पैगाम को गली गली चप्पे चप्पे फैला दे। इस हक परस्ती के सदके हम सब में सच्चा प्यार, अखुवत, मोहब्बत पैदा कर और हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे। ऐ परवरदिगार, तू जानता है इस मुल्क में जालिम और सफाक बड़े ताकतवर हैं, जालिम हैं, जाबिर हैं। हमारा कोई इस मुल्क में मददगार मुआविन नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, इन बुजुर्गों के सदके तू हमारे अंदर न सिर्फ इत्तेफाक इत्तेहाद अदा फरमा, बल्कि हमें हिम्मत दे, हमें हौसला दे, हमें ताकत दे कि हम जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ जिद्दोजहद कर सकें। मैं आज के इस जलसे में हेलो, मैं आपकी आज के इस जलसे में
उन साथियों को लेबर डिवीजन के एपीएमएसओ के उन कारकुनों को शाबाश पेश करता हूं जिन्होंने रात दिन एक करके आज के इस जलसे के इंतजाम किए। मैं मेडिकल एड कमेटी एमपीएम राबता कमेटी सबको खराज तहसीन पेश करता हूं, खसूसी तौर पर मुल्तान शहर के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुल्तान शहर के जिम्मेदारों हामीम भट्टी और पंजाब और सरहद के चीफ ऑर्गेनाइजर विशाल अहमद शाहिद को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं। मुल्तान के लोगों, आप शेर सुनना चाहते हैं? अच्छा तो सुनिए, और इस आज़म के साथ आवाज आ रही है। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्त-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अग्यार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहर की रात को मैं नहीं मानता। तुमने लूटा है, सुन रहे हैं आप लोग, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फसू, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फसू, चारा घर में तुम्हें किस तरह से कहूं, चारा घर में तुम्हें किस तरह से कहूं, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता। और एक सुन लो, और सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा, सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा, शार सादिक पे हम हैं नाजा, जो कह रहे हैं वही करेंगे, जफा करोगे वफा करेंगे, कर्म करेंगे, सितम करोगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे। मेरे जी, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, और पंजाब से जो लोग आए हैं, सिंध से जो लोग आए हैं,
بلوچستان سے ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, پاکستان کو قائم و دائم رکھے. انشاءاللہ پاکستان کو ہم بچائیں گے, پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کریں گے. آخر میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں, میری ان باتوں کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہ لیجئے کہ میری باتوں کا مطلب یہ مت لیجئے کہ ہم کمیونسٹ ہیں یا سوشلسٹ ہیں. ہم نہ کمیونسٹ ہیں, ہم نہ سوشلسٹ ہیں, بلکہ ہم انصاف پسند ہیں. ہم انصاف پسند ہیں, جمہوریت پسند ہیں. ہم امیروں کی دولت چھین کر غریبوں میں تقسیم کرنا نہیں چاہتے, بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت, ایسا نظام, ایسا سسٹم قائم کریں جہاں غریب بھی عزت کے ساتھ جیے اور جہاں امیر بھی عزت کے ساتھ جیے, اور غریب پر کوئی دولت جبر کے ذریعے, طاقت کے ذریعے ظلم نہ کر سکے, بلکہ غریب کو بھی جینے کا حق ہو, غریب کے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو, اور غریب بھی انصاف کے دروازے پر اسی طرح دستک دے سکے جس طرح بڑے بڑے لوگ دیتے ہیں. انصاف کو ان بڑے بڑے جاگیرداروں نے گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے. ہمیں اس انصاف کی لونڈی جو ان بڑے بڑے لوگوں نے, ان جاگیرداروں نے انصاف کو اپنے گھر کی لونڈی, انصاف کے نظام کو اپنے گھر کی لونڈی بنا رکھا ہے, ہمیں ان جاگیرداروں کے گھر سے انصاف کی اس لونڈی کو اٹھا کے عدالتوں میں بھیجنا ہے, جہاں اور وہاں ایسا عدالتوں کو ایسا با اختیار بنانا ہے, ایسا مضبوط بنانا ہے, ایسا با اختیار بنانا ہے کہ جہاں پر عدالت بڑے سے بڑے جنرل, بڑے سے بڑے کرنل, بڑے سے بڑے جابر, بڑے سے بڑے عامر, وزیر اعظم ہو یا ملک ہو, کسی کے اگر غلط بات کرے تو فیصلہ دیتے ہوئے عدالت ڈگمگائے نہیں, متاثر نہ ہو, تھنکی میں نہ آئے. ہم ایسے ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم امیروں کے دشمن نہیں ہیں, لیکن ہم چند خاندانوں کی پاکستان میں حکمرانی دیکھنا نہیں چاہتے. ہم چند خاندانوں کو پاکستان کو چند خاندانوں کی جاگیر بنتا ہوا جو دیکھ رہے ہیں, ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان چند خاندانوں کی جاگیر نہیں ہے, پاکستان پاکستان کے فارغ عوام کی ملکیت ہے, اور یہ ملکیت اور اس پر حکومت کرنے کا حق اور اس ملک کا انتظام حکومت چلانے کا حق پاکستان کے 12 کروڑ عوام کو ملنا چاہیے. ملتان کے بھائیوں, ملتان کے لوگوں, اور پنجاب ارد گرد کے تمام علاقوں سے میرے پاس بہت سارے نام ہیں, اگر میں پڑھوں گا پنجاب کے ایک ایک شہر کا نام لوں گا تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی. اسی لیے اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اب آپ سے رخصت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نعرہ متحدہ. اتنا لمبا میں نعرہ لگا رہا ہوں, اتنا لمبا جواب بھی دیجئے. نعرہ لوگوں کی نیندیں حرام, آج سے سوئیں گے نہیں, یہ بدبخت یہ سلیپنگ پلز کھائیں گے, مورفین کے انجیکشن لیں گے, لیکن ان جابروں ظالموں پڈیروں کو پھر بھی نیند نہیں آئے گی. بلکہ اب تو یہ خدا سے ایسے انجیکشن کی طلب کریں گے کہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی نیند آ جائے. کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ لہذا آپ ان کے ایوانوں تک اپنی آواز پہنچائیے. آپ کہیں کیا کہیں گے؟ اچھا میں خود گیس کرتا ہوں. اسمبلیوں کے چاروں طرف مشرق میں دیکھو
مغرب میں دیکھو, مغرب میں دیکھو, جنوب میں دیکھو, شمال میں دیکھو, شمال میں دیکھو, پنجاب میں دیکھو, سرحد میں دیکھو, بلوچستان میں دیکھو, سندھ میں دیکھو, اسمبلیوں میں چاروں طرف, اسمبلیوں کے چاروں طرف انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہر اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر چاروں طرف ہاں پرست ملتان کے بزرگوں, میں ملتان کے لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی میں پاکستان آیا پہلا پنجاب میں پہلا عوامی جلسہ ملتان میں رکھیں گے. اجازت دیجئے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے. ملتان کے بھائیوں کا بہت بہت شکریہ, ملتان کے بھائیوں کو بہت بہت خراج تحسین. اللہ حافظ. جلسے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی 170ویں سالگرہ کے سلسلے میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے کنوینئر سینیٹر اشتیاق اظہر نے کیک بھی کاٹا. ایم کے ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے جلسے سے اپنے تاریخی خطاب میں ملک کے فرسودہ ظالمانہ نظام کے بارے میں تلخ حقائق بیان کر کے غریب اور مظلوم عوام کے دل جیت لیے ہیں, اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ایم کے ایم جی مظلوماں دی آواز ہے, غریباں دی آواز ہے, اے بہت اچھی مطلب کہ تنظیم ہے, اور میرا تو جان تن من ہر شاید نال ہے, کیونکہ میں اس تو پہلے مسلم لیگ ہی کارکن رہا. اس تو پہلے میں آپ مطلب کہ بڑا کام کیتا مسلم لیگ چ, پر جڑا عزت جڑا احترام جڑے مطلب کہ ایک ایم پی اے نو میں دیکھا جھاڑو ماردا رہے, اور مطلب کہ بڑا کچھ اخلاقی میں دیکھا ہے, بڑا اچھا کام ہے, میں نو بڑا پسند آیا, بہت اچھی پارٹی ہے, اچھی تنظیم ہے, اور انشاءاللہ میں دعا کرنا ہے کہ پورے پاکستان چ اے تنظیم بڑھ چڑھ کے اگے آوے. میں جی ڈاکٹر رفیع محمد طاہر بول رہا ہوں, مسلم کالونی سے میرا تعلق ہے. یہ جو جلسہ ملتان میں کیا گیا ہے یہ تنظیمی جلسہ تھا, اور یہاں کوئی تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اتنا ڈسپلن کا جلسہ جو ہے وہ ملتان میں نہیں ہوا. سب کو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے الطاف بھائی نے یہ جڑا جلسہ کروایا ہے, اساں بڑے راضی ہیں. اساں چاہندے ہیں کہ اتھا آوے تے ساڈے حقوق سگو ملن. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس تحریک کے حق میں جو ہے وہ اعلان کرنا چاہیے, اور اس کی تحریک کی مکمل بھرپور حمایت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تحریک جو ہے یہ پاکستان کی یکجہتی کی علامت ہے. جناب میں ملتان کا رہنے والا ہوں, اور جب یہ ایم کیو ایم کا جلسہ ہوا یہاں پر بہت اچھا شاندار رہا, اور پہلے ہم اسے بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے, اب ماشاءاللہ جب سے دیکھا ہے بہت خوشی ہوئی ہے, اور تقریر بھی سنی ہے. مطلب ملتان میں یہ پہلی دفعہ جلسہ ہوا ہے اور بہت کامیاب ہوا ہے, اور جہاں تک ہماری خوشی ہوئی ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے بلکہ پورے ملتان کو خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ جلسہ آج تک اتنا بڑا نہیں دیکھا ہم نے. یہ ایم کیو ایم والے جو آئی ہے انہوں نے بہترین کام کیا ہے, یہاں پہ سارا کام ایم کیو ایم کا تھا, انہوں نے جلسہ جیسا کیا ہے میرے خیال میں کوئی پارٹی اور جلسہ نہیں کر سکتی. ہم جو ہے الطاف بھائی کے لیے, ہمارے پہلے تو بہت کچھ کہا گیا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں, ظالم ہیں, لیکن جب ہم نے تقریر سنی ہے یہاں پر ان کی, اور ان کے ایم پی اور ایم این او کو جھاڑو میں دیتے ہوئے دیکھا اور ان کا کام کیا ہے, تو ہمارے دل میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم بھی ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کریں. ہم نے 40 سال کے بعد ایک اچھی تنظیم, ایک اچھی جماعت سامنے آئی ہے جو حقدار کے لیے ایک آواز اٹھا رہی ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے بھائی الطاف کے, میں امید رکھتا ہوں یہ کہ انشاءاللہ آئندہ نسل کے لیے جو کچھ انہوں نے تاثرات دیے ہیں
अगर हम नौजवान उस पर अमल करेंगे तो हमारे आने वाली नस्ल के लिए एक अच्छा चीज साबित होगी। एमपी हजरत को जो दरिया बिछाते हुए देखा है उससे तमाम मुल्तान के अंदर एक इस किस्म का तासुर छोड़ा गया है कि अगर एम क्यू एम वाले इस तरीके के कारकुन है तो यकीनी तौर पे इनके अच्छे तासुरात हैं और ये सही काम लेके आए। भाई जो कोई मैंने देखा है उन्होंने कोई ऐसी झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, जो वो इशारा देगा फिर आप ना कोई वो झगड़ा था कोई फसाद था, जब सबका कामयाब हुआ है और क्या है इसमें देखा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, वो अपनी जो बातें कह गए हैं वो कर गए, इसके अंदर जिसकी मर्जी मिले जिसकी मर्जी ना मिले। आपको कैसी लगी है जमात? भाई मेरी जमात अच्छी, मुझे तो अच्छी लगी है, मैं क्यों 3-4 साल मैं कराची में रहा हूँ, मुझे उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो इसलिए तो अच्छी अच्छी कही जावे, क्या लोग कुछ भी समझते हो, लोग तो अच्छा भी कमा बुरा भी कमा मगर भाई मेरी नजर में तो अच्छी है। सामने देखा माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। दूसरे लोगों ने कहा कि ये दहशतगर्द जमात है लेकिन हमारे नजरियात में नहीं, क्यों कि पहले इलेक्शन में जब वोट कास्टली हुआ तो उसमें उनकी सीटें वही थी और जब अब क्या हुआ ऑपरेशन करने के बाद तो उनकी सीटें भी वही थी, इससे ये साबित होता है कि वो दहशतगर्द जमात नहीं दूसरे लोगों का ये उनके ऊपर ऑब्जेक्शन और प्रोपेगेंडा। इसकी कमेटी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का मेंबर भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ अंजमन काश्तकार डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का, तो यहाँ जो ये जलसा हुआ है इसमें इज्तमा बहुत बड़ा था, कम इज्तमा नहीं था, लोग बहुत थे, ये मुल्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा जलसा था, इससे पहले इतना बड़ा जलसा एक दफ़ा शायद सदर अयूब के टाइम में हुआ था, उसके बाद दूसरे टाइम में ये सबसे बड़ा जलसा है, इससे बड़ा जलसा यहाँ नहीं हुआ। दिसंबर में जलसा हुआ मुल्तानी तारीख में, मेरे ख्याल से अच्छा जलसा कभी नहीं देखा जिंदगी में, इतना पूरा जमुन इसमें इधर इतना रश था जितना कहने कम है, कुछ करके मुल्तान वाले आदमी ने ना इनमें भी बड़ा हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर, हम खुद भी इससे राज मिलना चाहते हैं ताकि जो है ना जिस तरह मुल्तान किसी मुल्क कोई भी मेम्बर आया किसी ने तरक्की नहीं दी है, अल्ताफ भाई का हमने इंटरव्यू सुना ना इतनी दिल खुश हुआ जितनी कहने कम है तारीफ, अल्ताफ भाई जितनी तारीफ करें कम है, उनकी जितनी बातें थी ना 100% सही थी, इधर बड़ा ही अच्छा पहला जलसा था जो कि कायद का वो बहुत अच्छा रहा, यहाँ बहुत बेहतरीन जलसा हुआ जी और मुल्तान की तारीख में बहुत ही कामयाब जलसा था और लोगों का जोश खरोश भी काबिल दीद था और इसलिए और मुल्तान में एमकेएम के पहले जलसे को कामयाब बनाने के लिए लोगों ने भरपूर तामन किया है। एमकेएम ये मजलूमों की एक पार्टी है और मेरा ख्याल है कि ये कामयाब रहेगी आइंदा के लिए भी इंशाल्लाह। मैं जनाब जलसे में गया और वहाँ पर जो मैंने कार्रवाई देखी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हुई और बड़ी कामयाबी से हम किनार हुए और कायदे तहरीक का जो प्रोग्राम यहाँ पर चला है इंशाल्लाह वो कामयाबी और कामरानी से हम किनार होगा और इंशाल्लाह यहाँ तहरीक बड़ी जोर पकड़ेगी। लाख के करीब था जी, हम मौके पर मौजूद खड़े हुए देख रहे थे, ऐसी बात नहीं हम मौके पर खड़े हुए देख रहे नहीं, आदमी ज्यादा था भाई वेलकम। हाँ जी नहीं जी अच्छी लगी है माशाल्लाह तरक्की होगी। नहीं जी नहीं आज से पहले नहीं हमने नहीं देखा, हाँ ये प्रोग्राम बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। ये जलसा जो था मुल्तान में ये यानी कि एक यादगार जलसा था और बहुत अच्छा कामयाब जलसा था और तमाम यानी कि शहर के लोग भी थे इस जलसे में जो कि अपने शाम को काम करने के बाद वहाँ चले गए थे जलसा सुनने के लिए, तो ये बहुत अच्छा जलसा था और इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहा है। क्योंकि हम एक वाहिद जमात है जिसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है, जिसकी तमाम कारकुनान का अहदेदारान का पार्टी क्यादत का और हर लिहाज से वो जमात जो है मैं कहूँगा पाकिस्तान की वाहिद जमात है एम के एम जिसमें मिडिल क्लास फैमिली सामने जो है अब जाहिर हो रही है। और अल्ताफ भाई की तकरीर हुई है वो भी बहुत अच्छी थी, लोगों ने बहुत सराहा। कामयाब जलसा है जबकि किसी तारीखी में नहीं लिखा हुआ मुल्तान का जलसा इतना भारी जलसा गया। इनकी उनके तो जलसा आया ये एक हक परस्त तंजीम, इसमें मुल्तान की आवाम मुकम्मल तौर पर इस तंजीम के साथ। We'll be right back.
सुनो ये आवाज सुनो 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 ये आवाज सुनो 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 ये आवाज सुनो अल्ताफ हुसैन की आवाज अल्ताफ हुसैन की आवाज सुनो 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 ये आवाज सुनो 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 ये आवाज सुनो अल्ताफ हुसैन की आवाज अल्ताफ हुसैन की आवाज मिलके काइस का सब साथ दो अपरस तो ये है अपना तो ये जान लो अपरस तो ये तो मजलूमों की शान है अपरस तो अपनी कौम की पहचान है अपरस तो तू मजलूमों की जीत है।